आज हम बनाते हैं एवोकाडो सैंडविच। हाँ जी, चलिए बनाते हैं। लेकिन इसकी टेक्निक क्या है कट करने की? अच्छा, नहीं पता आपको? चलिए हम आपको सिखाते हैं। अरे, ये तो बड़े आराम से निकल गया। हाँ जी, और ये पता है बहुत ही इजी तरीका है एवोकाडो को कट करने का। अरे, ये तो बहुत ही आराम से पील हो गया। हाँ जी, बहुत लोग बहुत टाइम लगाते हैं और ये है सबसे कम टाइम में आपको एवोकाडो छीलने का तरीका। हाँ, मुझे भी बहुत टाइम लगता है। तो अब सीख गए हो, अब ऐसे ही करना आगे से। अब आगे का प्रोसेस तो बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम शिमला मिर्च काट लेते हैं। इसको हमें बहुत फाइन चॉप करना है और चॉप करने के बाद हम इसको फिर डाल देंगे वही सेम मैश्ड जहाँ पे हमने एवोकाडो रखा है, सेम बाउल में इसे रख देंगे। और अब लेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च जिससे कि थोड़ा बहुत तीखापन आ जाए, इसको भी डाल देते हैं। अब लेंगे टमाटर, टमाटर से आ जाता है थोड़ा बहुत खट्टापन और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको भी फाइन चॉप कर लेते हैं और इसको भी हम डाल देंगे फिर चॉप करने के बाद सेम बाउल में। तो अब इसमें डाल देते हैं स्वाद के महाराजा धनिया को। स्वाद के अनुसार डालते हैं हम इसमें पिंक सॉल्ट और लेंगे अब थोड़ा सा काली मिर्च। काली मिर्च से एक थोड़ा तीखापन भी आता है और गले के लिए भी ठीक रहती है। हाँ जी, सही पकड़े। अब करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। यो यो। तो चलिए अब इसमें क्रंचीनेस के लिए थोड़ा सा ऐड करते हैं आलू की भुजिया। लेकिन अभी तक हमने इसमें घी या ऑयल तो डाला ही नहीं। तो यही तो इसकी खास बात है जो हम रेसिपी दिखा रहे हैं। अच्छा। इसमें हम कहीं भी ऑयल यूज नहीं करेंगे कैसे भी। ब्रेड पे तो लगाओगे? नहीं नहीं नहीं, ब्रेड पे भी नहीं लगाएंगे अपा। इसको बनाएंगे ऑयल फ्री हेल्दी सैंडविच। लुकिंग डिलीशियस। यो, वेरी डिलीशियस। खा के देखिएगा। बिल्कुल। बहुत ही जेंटली इसको हम करते हैं प्रेस और रख देते हैं अब साइड में। अब हम लेते हैं दूसरा सैंडविच। अब इसको भी उसी प्रकार से हम तैयार कर लेते हैं। हाँ जी। अरे बाबा, टोस्टर तो ऑन कर दो। हाँ हाँ, वो मैंने रख दिया ऑन करके। ओके। तो चलिए फिर करते हैं टोस्ट। टोस्ट टोस्ट टोस्ट। सैंडविच हो गया है रेडी, अब इसको निकाल लेते हैं और दूसरा टोस्ट भी हमारा तैयार है। जरा इसकी स्टफिंग तो देखें। लीजिए, देखिए, है ना? वाव, यो, यम्मी। यस। तो इसे आप भी ट्राई कीजिए और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।